गूगल पे लिखें बटन रसल की, मैंने अपने ज़माने में बटन रसल का पढ़ा था, उसने कहा था थ्री पैशंस मेरी लाइफ को गवर्न करते हैं, तो अगर मेरे पास वो हो तो मैं शेयर करूँगा। उसमें एक ये भी था कि लॉन्गिंग फॉर लव, सर्च फॉर नॉलेज, और एक जो इंसानों के साथ कह लें काइंडनेस और सिंपथी, तो ये तो हमेशा से जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने इसको अच्छा ही कहा है, उसमें कोई बुराई और ऐसी चीज़ की। वो अलग बात है हमारे लेवल पे जो यंग जनरेशन है बहुत 15-16 साल की उम्र में, तो वो तो फिर कोई उनका बनता कुछ नहीं, हुआ या मजबूत बन जाते हैं या कुछ तरह होता है, वो एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन दुनिया में जो सही इस पर रिसर्च हुई है वो इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इसलिए ये तो आपने इसको थोड़ा सा लिखा भी है। ये ऐसी चीज कुछ ना लिखें जिसमें आप उसको प्रूफ ना कर सकें, वो कह के अगर आपने लिखना भी है तो आपको फिर एटलीस्ट सोसाइटी में आप ये इसको लिख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो यूथ पे है वो नहीं है, एक टाइम इसका आता है उसके बाद आप प्रोसेस करें, वहाँ से पहले जो चीज़ें इस तरह कुछ बना के आप लिखते हैं। अच्छा, अब इसको हम तीन अपने जरूरी नहीं है अपने आप को अप्रिशिएट करना जरूरी नहीं है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। खुद आप कह रही हैं कि ये जरूरी नहीं है या जरूरी है? जरूरी है, है। अच्छा ये हाँ, ये इसलिए आप जो आजकल के गुरु सदगुरु और ये लोग YouTube पे जो हैं वो सबसे पहले कहते हैं कि आप पहले अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को अच्छा फील करवाएं, फिर आपको दुनिया भी अच्छी लगेगी। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या एंग्जायटी और मुख्तलिफ मेंटल डिसऑर्डर्स, दिल को कहा गया इमोशंस, ये आप एक डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि जो दिमाग कहेगा वो लॉजिकल और ठीक बात होगी और जो दिल कहेगा वो इमोशनल बात होगी, हो सकता है उसका आपको नुकसान हो। हम कुछ ना जो कुछ चीज़ें जो है वो हार्ट की वो हम दे रहे होते हैं, क्या बोलते हैं ब्रेन की पर्सपेक्टिव से, तुम ही आगे बढ़ा लो, और ब्रेन की चीज़ें होती है वो हार्ट की पर्सपेक्टिव से ले रहे होते हैं कि ऐसा मतलब कि हम लोग खुद कन्फ्यूज होते हैं कि मतलब उसकी चीज़ें वहाँ जा रही होती हैं और ब्रेन की चीज़ें जो हार्ट पर आ रही होती, कुछ चीज़ ऐसी होती है। वही मैंने कहा ये इमोशंस और इंटेलेक्ट लॉजिक, आपको लॉजिक और इंटेलेक्ट से रिलेटेड लॉजिकल पैटर्न जो हम सोचते हैं थिंकिंग का वो ब्रेन है। बिल्कुल, क्योंकि हार्ट में फिर हम ये आ जाएंगे जो इसमें हम फिर लव वाला एलिमेंट ले आएंगे कि इंसान को जहाँ जहाँ अप्रिशिएट किया जाता है वो फेल होना भी सिखाना, सिर्फ हर लाइफ के हर मोड़ पे आप जीतते भी जाएंगे ना तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी एरोगेंट हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगी। इसीलिए हेमिंगवे और ये जो बड़े राइटर्स हैं वो कहते हैं कि कुछ लिखने के लिए आपको अच्छी खासी पेन से गुजरना पड़ता है, मेंटल लैंग्वेज से। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट पे बनाई थी फेवरेट्स पर विचार अभी, हां वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट आप मार्टिन स्कॉर्सेज, उसमें भी यही है कि उसको फेलियर हो रहे होते हैं फिर आखिर में आगे जाता है, लेकिन उसका तो और ठीक ग्रीन पैसा, लेकिन आखिर में कहता है कि मतलब कि मुझे जो है वो फेलियर पे जो अबे यही तो बता रहा हूं उसमें ये सीखने को मिलता है कि जितने लोगों में जितना फेलियर के बाद आपके अंदर कैपेसिटी है ना गिर के उठने की वो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी होती है। ट्रू, इसीलिए बहुत से लोग बहुत बड़ी पोजीशंस अक्वायर कर लेते हैं दुनिया में लेकिन यह है कि लोग उनके पीछे नहीं लग पाते, उनको उनकी पर्सनैलिटी वेल राउंडेड नहीं होती। अब करोड़ों लोग बहुत से गांधी हो गया ये वो लोग हो गए ये वो हम्बल थे क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी को सही मानों में समझा हुआ, तो ये भी एक पूरा आर्ट है। अच्छा, अब दूसरा इसमें ये भी आप पॉइंट डाल दीजिएगा, अब एक और चीज़ है अप्रिसिएशन नेगेटिव भी हो सकती है, मेरे जहन में अभी आते हुए एक पॉइंट आया था, पता नहीं पॉइंट तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं कि ज़्यादातर आप देखें कि शादी के बाद वुमेन को, वुमेन साइड से मैं कह रहा हूँ, उनको कॉन्स्टेंट डोज ऑफ अप्रिसिएशन चाहिए होता है, वरना वो बोर्डम फील करती है कि यार ये शायद मेरे में इंटरेस्ट नहीं है या कुछ नहीं है। और ज़्यादातर जो केसेस ऑफ एडल्ट्री हैं उसकी भी रीज़न यही होती है कि उनको घर में अप्रिसिएशन नहीं मिलती, कहीं बाहर से कहीं अप्रिसिएशन मिलती है तो
दे फॉल फॉर सच यू नो ट्रैप और व्हाटएवर. उसमें एक नावल है एना कैरेनिना, रशियन नावल है टॉलस्टॉय का, उसका आप देखिएगा. एना कैरेनिना की मूवी भी शायद है इसे. उसको आप कैसा नाम एना कैरेनिना, ये इसकी मेन कैरेक्टर जो है प्रोटैगनिस्ट तो नहीं कहना चाहिए, एना का कैरेक्टर. इसको आप पढ़िएगा या यूट्यूब पे कोई इसका रिव्यू सुन लीजिएगा तो देखिएगा कि एना कैरेनिना के अंदर क्या उसका आखिर में जाके तो लियो टॉलस्टॉय बहुत ज़्यादा डेप्थ में साइकोलॉजिकल लेवल पे चला गया. वो बताता है कि इंसान किस तरह जाहिर अच्छी सारी लाइफ होती है लेकिन फिर भी उसको कोई वो उससे निकलना चाहता है, वो कहीं कोई उसको अप्रिसिएशन मिल रही होती है या क्या रीज़न होती है. ये वाला पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. उसमें चीज देखा मतलब होना चाहिए.